हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो बच्चे बोल रहे हैं काफी दिनों बाद क्लास हो रही है, राइट? ऑलमोस्ट लाइक एक डेढ़ हफ्ते के बाद क्लास हो रही है, राइट हमारी। सो नाउ व्हाट इज द एजेंडा फॉर द टुडेज क्लास? कि हम लोगों को कवर करना है हमारे दो चैप्टर्स, दैट इज एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? अब डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें चाहिए बेसिकली। तो अब दोनों टॉपिक्स जो हैं, दोनों ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से। एरियाज के मैंने कोशिश किया कि मैं ज्यादा वियर्ड दिखने वाले या लेंदी क्वेश्चंस पिक करके ला पाऊँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस मेजॉरिटी बच्चे कर लेते हैं एरिया के। एंड ऑल्सो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस आई स्पेशली पिक क्वेश्चंस ऑफ जो हमारे पास, जो मेरे पास एक तो एग्जैक्ट फॉर्म होता है नया, राइट? एंड वन इज कन्वर्टेबल टू लीनियर डिफरेंशियल। ये दो कैटेगरीज आर गोइंग टू बी द हाईलाइट इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस जो नया आने लगा था 21 और 20 में। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द एरियाज पार्ट, आगे पता चल जाएगा, देखते जाएंगे क्वेश्चंस, राइट? लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस। सब लोग रेडी हो जाओ विद योर कॉपीज एंड पेंस। सो द क्वेश्चन इज एरिया अंडर द कर्व दैट इज वाई इक्वल टू मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2 एंड वी वॉन्ट एरिया अबव एक्स एक्सिस। इसका एरिया अबव एक्स एक्सिस आपको चाहिए। नाउ द टारगेट इज, देखो अब कैसे निकाल सकते हैं एरिया अबव एक्स एक्सिस। व्हाट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन यूज? सो सम पीपल आर सेइंग सब कुछ साइन में चेंज कर दो। ओके, लेट्स, आई कैन डू दैट। इनफैक्ट कॉस में भी कर सकते हैं, साइन में भी कर सकते हैं। तो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम रूट टू इंटू मॉड ऑफ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर। यू कैन राइट इन दिस वे, बट इससे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया तुमने खुद ही चीजों को। अब तुम ग्राफ बना के सोचोगे या तो, बट रादर देन दिस मैं क्या सोच रहा था ना, देखो आपको तो देखना है अबव एक्स एक्सिस, राइट? आई नो बिटवीन 0 to π/4, 0 से π/4 जब जा रहे होंगे हम लोग, कॉस बड़ा होने वाला है और उसके बाद आपका साइन बड़ा हो जाएगा, तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ, राइट? दैट इज हाउ आई कैन राइट दिस सिंपली, π/4 से π/2 में। तो आप सीधा एरिया को विदाउट इवन ड्रॉइंग द ग्राफ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट एरिया बिटवीन 0 to π/4 सब पॉजिटिव है ना, मुझे पता ही है, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। देन वेन आई गो फ्रॉम π/4 से π/2, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज वॉट वी नीड। दिस इज द मेथड आई विल यूज। आई डोंट थिंक आई इवन नीड ग्राफ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? किस किस को समझ में आ रहा है कि ग्राफ की नीड ही नहीं है, ये तो सीधा ही कर सकते हैं, है ना? इंटीग्रेट ही तो करना है डायरेक्टली 0 से π/2 तक, मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, राइट? क्योंकि सब पॉजिटिव ही है, यहाँ पे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। चलिए, अब दिया है सॉल्यूशन में ग्राफ, बट जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? आप बेसिक से कर सकते हैं, नो नो नीड फॉर दैट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू 2 power x एंड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आई वांट ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन करके मुझे बताएं, क्योंकि क्वेश्चन शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आई वांट कि फाइनली आंसर तक आप पहुंचो, आंसर निकालो, आंसर बताओ मुझे Q&A में, राइट? उसके बाद देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ यू ने ग्राफ बनाने का सोचा हुआ है, राइट? ओके, तो ग्राफ तो आप बनाएंगे, आई एम गेटिंग दैट पॉइंट। सो ग्राफ कैसा होगा? ये तो 2 power x का ग्राफ आ गया, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ, एट x इक्वल टू माइनस 1 इट इज 0। एक तो इस पॉइंट पे कट करेगा, मतलब कैसा ग्राफ दिखेगा, देखो दिस इज लाइक ऐसा कुछ जा रहा है। अब आगे भी कट करेगा क्या कहीं पे? कहीं ना कहीं पे तो कट करता ही होगा सर। मुझे एरिया कौन सा चाहिए? दिस इज द एरिया दैट आई नीड। मुझे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब था सर, दिस इज द एरिया दैट वी नीड। ग्राफ बन गया। नाउ व्हाट इज द आंसर? सम पीपल आर सेइंग ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब ये इंटरसेक्शन का पॉइंट तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, मतलब 2 power x इज एक्स प्लस 1 पॉजिटिव ही है, तो x इक्वल टू 1 इज वॉट आई कैन सी, राइट? x इक्वल टू 1 आ गया, तो योर एरिया इज बिटवीन 0 to 1, अपर कर्व इज x प्लस 1, लोअर कर्व इज 2 power x। कई लोग अपर लोअर की टेंशन नहीं लेते हैं, पहले ही मॉड लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है ना? आपकी मर्जी है वो। तो आंसर क्या बनता है हमारा? इट इज बिकमिंग 1/2 + 1,
माइनस टू पावर एक्स जो आएगा वो बनेगा टू माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग टू. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर. ओके, अब बोल देता कोई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखते तो आपको पूरा एरिया लेना पड़ता, देन यू ऑल्सो नीड टू फाइंड दिस एरिया. ओके, तो ध्यान रखना है ये वाला एरिया भी जरूरत पड़ जाएगा तब. अच्छा, मान लो देर आर टू कर्व्स एफ एंड जी, देर आर थ्री पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी एंड सी, लेट से इस ऑर्डर में है, ठीक है ना. सो नाउ व्हाट विल बी द एरिया. अगर ग्राफ नहीं बनाना तो एरिया कैसे लिखेंगे, ए से बी जाओ मॉड लगा दो, फिर अगला एरिया क्या आएगा फ्रॉम बी टू सी. लोग इंडिविजुअल चीजों पे मॉड लगाना भूल जाते हैं, इसी कारण उनका आंसर गलत आ जाता है. सो दिस इज वन थिंग यू शुड रिमेम्बर, इंडिविजुअल मॉड लेंगे, ठीक है. चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द रीजन. तो रीजन क्या है, एक्स माइनस वन इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज देयर एंड दिस इज वाई इज ग्रेटर देन दिस टर्म, और दूसरी साइड पे है वाई इज लेस देन इक्वल टू टू रूट एक्स. एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू टू. जीरो से टू में बात कर रहे हैं, एक कर्व है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. वन कर्व इज वाई इज लेस देन इक्वल टू बेसिकली टू रूट एक्स. अब आपको आगे सोचना है हाउ शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. जिंट वाला तो अभी तक नहीं देखा था. अच्छा, जिनको जिंट वाला नहीं समझ में आ रहा वो इसको देखते हैं ना. इससे क्या समझ में आता है सेकंड कर्व से, दैट वाई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू फोर एक्स. इट इज लाइक अ पैराबोला, है ना. पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला. मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, चलो अभी के लिए ऐसा बना देते हैं. नाउ मैंने जब स्क्वायर किया था तो आई अज्यूम्ड वाई विल बी पॉजिटिव, राइट, तभी हमने ऐसा किया है. ओके, तो व्हाट विल हैपन टू द सेकंड कर्व नाउ, हाउ कैन यू डिड्यूस अबाउट द सेकंड कर्व. तो काफी बच्चों ने बोला कि सर ध्यान से देखो जीरो से टू है, तो अगर आप जीरो से वन जाओगे तो वैसे ही जिंटेक्स तो आपका जीरो हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो दैट इज जस्ट द एक्स एक्सिस, राइट, जीरो से वन तक. इसके बाद अगर आप जा रहे हो फ्रॉम वन टू टू, फ्रॉम वन टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज वन, मतलब वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन. ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ गई मेरे पास. एक्स इक्वल टू टू पे क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स इक्वल टू टू पे मेरा वैल्यू सेम आ जाना चाहिए था, बेसिकली टू रूट टू, या सॉरी एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू मेरा वन आना चाहिए था. मैं गलत लिख गया यहाँ पे, राइट, कुछ तो वैल्यू आ गया, चलो मान लेते हैं. अब व्हाट इज हैपनिंग व्हेन एवर आई एम टेकिंग एक्स इक्वल टू टू, फाइनली वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस वन. मुझे तो एक्स इक्वल टू टू पॉइंट से मतलब है, तो यहाँ पे वैल्यू इज टू. ओके, यहां तक हम पहुंच गए. दिस इज द एरिया दैट यू नीड. अब ये एरिया भी ध्यान से निकालना पड़ेगा, राइट. मुझे पता है जीरो से वन तक मैं जब जा रहा हूँ, द अपर कर्व इज टू रूट एक्स, लोअर कर्व इज, इनफैक्ट यू कैन इनफैक्ट यूज बेटर थिंग्स. इससे बेटर कोई सोच पा रहा है कुछ? मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन करने की शायद इतना मुश्किल ना करना पड़े, कुछ बेटर कर सकते हैं. सूर्यांश सर, क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे. सर्कल तो है ही नहीं ना, वो तो पैराबोला है, वो तो चल. ये तुमने बात सही बोली, बट सर्कल नहीं है वो, है ना. वैसे तुमने जो लॉजिक दिया वो सही है कि क्या करो, पैराबोला के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दो. ये तुमने सही बोला, राइट, बट पैराबोला है, गलती मत कर दियो पेपर में. सो दिस इज इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू 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 रूट एक्स, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. बेस क्या है ट्राइंगल का, वन है, हाइट इज टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स ऑल. ओके, परफेक्ट है. इंटीग्रेट उतना ही करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, ब्रेक नहीं करना है. जो बच्चा बोल रहा ब्रेक करके फिर आगे फाइनली करो इंटीग्रेट भी, दैट इज अननेसेसरी ना. चलिए लेट्स मूव ऑन. अब जिंट के सवाल. अच्छा मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे उसे. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फोर साइन एक्स है मेरे पास, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, फाइंड एरिया. ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, ठीक है ना. अब आपको सोचना है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इसको जीरो से पाई बाय टू ले लो, चलो तुम है ना, पाई भी छोड़ो, पाई बाय टू ले लो. सो अगर आपको ये ड्रॉ करना मुश्किल लगता है ना, जैसे कुछ रैंडम आ गया, तो आप साइन बनाओ.
ये रहा ग्राफ ऑफ 4 sin x. देखो क्या हुआ, कहीं पे 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये कहीं पे 3 हुआ होगा, फाइनली एट पाई बाई 2 इट इज बिकमिंग 4, राइट? दिस इज हैपनिंग. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो ब्लू वाला ग्राफ बनेगा. देखो पहले 0 है यहाँ तक, उसके बाद इसका वैल्यू 1 हो गया यहाँ तक, देन इसका वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4. जो भी ये पॉइंट्स थे अल्फा बीटा गामा, आपका एरिया क्या है, दिस शेडेड एरिया, ऑल दिस शेडेड रेक्टेंगल्स इज व्हाट यू नीड. ये रेक्टेंगल्स का एरिया चाहिए सर मुझे, ठीक है ना? अब आप आगे निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो कहाँ पे ये हुआ होगा. जैसे मान लो अल्फा चाहिए तो क्या करेंगे, जहां पे भी साइन एक्स का वैल्यू 4 sin x का वैल्यू 1 हुआ होगा अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा इज साइन इनवर्स 1/4. सिमिलरली बीटा विल बी साइन इनवर्स 2/4, गामा विल बी साइन इनवर्स 3/4, ठीक है ना? इस तरह से हमारा आंसर आएगा. ये तो एक रैंडम क्वेश्चन लिखा था, बट यू शुड नो ग्राफ बनाया कैसे जा रहा है. पहले बनाओ बेस फंक्शन, फिर सोचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए. आगे देखते हैं. अभी नेक्स्ट वन इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. ये बहुत पुराना सवाल है जेई मेन का, बट बहुत ऑसम सवाल था. lnx, ln mod x, y इक्वल टू मॉड ऑफ lnx, y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, अलग अलग फंक्शन दे दिए, हमें इनके बीच का एरिया चाहिए. ध्यान से सोच के करना पड़ेगा थोड़ा, राइट? सोचते हैं कैसे बनता है ग्राफ. चलो lnx तो लोगों को पता है, lnx तो ऐसा होता है, बाकी के ग्राफ्स कैसे बनेंगे सोचो. कई बच्चे बोलते हैं सर ln mod x भी मुझे तो पता है कि x हो या माइनस x हो सेम आ रहा है. इवन फंक्शन है सर, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होता है. ये mod ln mod, ये बन गया आपका ln ऑफ mod x, है ना? ये दोनों को अगर ये भी हो, राइट, दिस इज ln mod x. आगे सोचो अब. सो काफी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर mod ln x का मतलब क्या है, ln x के ग्राफ का जो भी नेगेटिव पार्ट था उसे घुमा के पॉजिटिव कर दो, ठीक है सर, ये mod ln x बन जाता. अब सिमिलरली mod of ln mod x कैसे बनेगा, अंदर वाला फंक्शन तो बना ही चुके हो, ओवरऑल जब इसका बाहर मॉड लोगे तो कहने का मतलब क्या है, जो भी नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दो, जितना भी नेगेटिव पोर्शन था उसको पॉजिटिव कर दो, दिस इज व्हाट यू विल गेट. ये आ गया आपके पास. नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, क्या बन रहा है आपका रिक्वायर्ड एरिया. देखो सारे ग्राफ्स जो लाइंस बनी हुई हैं अभी की अभी, इन सारी लाइंस के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए मुझे, तभी मैं एक भी ग्राफ को इरेज नहीं किया. नाउ एरिया कोई मुझे अगर क्लियर कर सकता है कि कौन सा एरिया एक्चुअली निकालना है, ग्राफ तो बन गए, What is the actual area you need? 4 times integration of ln x बोल रहे हैं कुछ लोग, but what is the area you need actually? Can you you can raise hand and you can tell. Pushkar, आवाज नहीं आ रही है. आयुष, अनीश, सर वो up to infinity के जो areas हैं वो 4 को. Okay, तो ये चारों के चारों का ले लेना है, right? मुझे ये सारा ले लेंगे हम, है ना? ये पूरा एरिया चाहिए हमें, सही बात है? तो अगर हमें ये पूरा एरिया चाहिए तो मेरे को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना होगा उसको इनटू 4 कर देते हैं. व्हाट इज द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? 0 से 1 जा रहे हैं हम लोग, है ना? ये x इक्वल टू 1 ही है, 0 से 1 जा रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज नॉट ln x, नाउ ध्यान से सोचना है, माइनस ln x है फंक्शन, ठीक है ना? उल्टा कर दिया ना यहाँ पे, राइट? तो या तो मॉड बाहर लगाओ, नहीं तो पहले ही माइनस ln x लिख दो. दिस इज योर आंसर, राइट? That's all, perfect. ये पूरा एरिया चाहिए. लोग इरेज कर देते हैं ना अगर बीच में, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है. They take 2 times something, 4 times लेना भूल जाते हैं लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अब इसी को ऐसा भी सोचते हैं, if I write this as area with the y-axis, तो देखो आपका फंक्शन क्या है, माइनस ln x. तो x का वैल्यू क्या है, e पावर माइनस y. तो इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है फॉर e पावर माइनस y dy. ये कर लो, नहीं तो ये भी ठीक है, ओके? चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ. द नेक्स्ट इज द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. आर दे दिया आपको, दिस इज मैक्सिमम ऑफ 0 एंड log x, एंड दिस इज y इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ 0 एंड log x, ओके? एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर x, वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 2 तक. ये एरिया आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा कुछ तो.
क्या गिवन है, एक तो गिवन है y is greater than equal to maximum of 0 and log x, और दूसरी चीज आपको पता है y is less than equal to 2 power x. अब आप सोचो क्या आना चाहिए. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो दिखने में लग रहा है बहुत, हो सकता है आंसर शायद मुश्किल ना हो बिल्कुल भी. ये ग्राफ की तो टेंशन है ही नहीं, ये तो जानते हैं. सेकंड फर्स्ट ग्राफ का सोचना है. लेफ्ट पार्ट को राइट में शिफ्ट कर लेंगे. अब देखो अगर समझ में नहीं आ रहा, मैक्सिमम ऑफ लॉग जीरो या एन लॉग एक्स, आपको जाना कहां से कहां तक है, हाफ से लेके, ये हाफ है ये वन है, तो टू तक आपको जाना है राइट. जनरली log x का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा सा होता है कुछ, है ना. जनरली log x ऐसा होता है, y equal to log x होता तो y equal to 0 का मतलब है आपकी x axis. आपको चाहिए मैक्सिमम. क्या आ रहा है मैक्सिमम, ये आ गया मैक्सिमम राइट. दिस इज वॉट वी आर गेटिंग एज द मैक्सिमम. ग्राफ बन गया मेरा तो राइट. अब वॉट इज हैपनिंग इन द सेकेंड ग्राफ, उसका ग्राफ तो कुछ ऐसा आता है ना, 2 पावर x, तो कुछ ऐसा होगा. मुझे नहीं पता, 1 पे वैल्यू देखो 2 है, 2 पे वैल्यू इज 4, ऑब्वियसली बहुत ऊपर चला गया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया दैट वी हैव. ये पूरा एरिया मैं चलो शेड कर देता हूं पहले, दिस इज द एरिया दैट वी नीड, ठीक है ना. अब इसको करने के भी बहुत तरीके हैं. कई लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि सर पहले आप क्या करो, हाफ से 1 तक चले जाओ, दिस इज द एरिया अंडर 2 पावर x. फिर आप क्या करो, 1 से लेके 2 तक चले जाओ, दिस इज एरिया फॉर 2 पावर x माइनस लोअर कर्व दैट इज log x. कई लोग ऐसा करते हैं. सेम चीज को इंटरप्रेट करने के तरीका एक और क्या है कि मैं पहले पूरा 2 पावर x का ले लूंगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा log का एरिया, वो भी सही बात है. यू कैन गो फ्रॉम हाफ से लेके 2 पावर x dx और उसमें से एरिया ऑफ दिस log फ्रॉम 1 टू 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, बन जाएगा आंसर. दोनों तरीके वैलिड हैं, है ना. कैलकुलेशन अब आप करके देखो. ध्रुव बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, वेरीफाई हम कर लेते हैं. यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. सो अभी मैं हैंड लो किए. नाउ इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क, है ना. कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, उस पे तो टाइम हम क्या ही वेस्ट करेंगे, वो तो तुम वैसे ही आराम से कर लोगे, ठीक है. चलिए तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ताकि थोड़ा ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर अब हम कवर कर पाए राइट. चलिए सो द क्वेश्चन इज, कंसीडर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट सेज, मेरे पास है y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 बाय y dy इज 0, y ऑफ 1 इज 1. दे आर आस्किंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इन शॉर्ट x की वैल्यू y की फॉर्म में पूछ रहे हैं. तो नाउ वी नीड टू थिंक कि किस तरीके का सवाल है. तो लिस्ट क्या होती है, पहला थॉट होता है सर वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा थॉट होता है होमोजीनियस तो नहीं है, तीसरा थॉट होता है कोई सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं हो जाएगा, चौथा थॉट होता है कि एलडी तो नहीं बन रहा, फिफ्थ थॉट होता है एग्जैक्ट फॉर्म. और एग्जैक्ट फॉर्म पहले भी आ सकता है अगर dx एंड dy स्प्लिट करके लिखा है. जनरली काफी ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है बाय एग्जैक्ट फॉर्म ऑल्सो व्हेनेवर वी गेट समथिंग इन अ स्प्लिट फॉर्मेट, ठीक है. बट दिस इज द होल जर्नी जो आपका इस चैप्टर में होता है राइट. तो अब सोचेंगे कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. फॉर्म किसी को समझ में आएगा तो बताना पहले तो. ओके प्रशांत ने आइडेंटिफाई तो कर लिया व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म इज दिस. ओके सो काफी लोग आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं. अब देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करते हैं, सबसे पहले dy by dx लिखना है ना, जनरल थॉट यही होता है. अब dy by dx लिखोगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास दिस विल बिकम y स्क्वायर बाय 1 बाय y माइनस x. नीचे y और x दोनों आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, उल्टा कर दो, dx by dy लिख लो, क्या बनेगा 1 बाय y क्यूब माइनस x बाय y स्क्वायर, ऐसा आ गया. नाउ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, देखो अगर आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे टर्म को, तो dx by dy plus x by y स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय y क्यूब, इट इज LDE इन वेरिएबल x. What is integrating factor? It is e power integral. जो भी y का function है यहाँ 1 by y square dy, that is e power minus 1 by y. यही बन रहा है हमारे पास. अब finally answer क्या आएगा? X times integrating factor is equal to
इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आगे क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, तो आई थिंक मेरा काम बन जाएगा. यू विल जस्ट गेट माइनस टी ई पावर टी डी टी. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा दे दिया पेपर में उन्होंने, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. अब जिसको लग रहा है वाई इक्वल टू वी एक्स क्यों नहीं किया, भाई डिग्री भी तो सेम होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. डिग्री कहाँ सेम है, कुछ भी थोड़ी कर देंगे. होमोजीनियस होगा तब करेंगे ना वैसा. तो चलिए लेट्स मूव ऑन और देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन पी. इसमें देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ चुका है, इतनी बार 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 इस टाइप का आ चुका है, तो मैंने दे दिया आपको सीधा ही. बट आई वॉन्ट कि आप आंसर निकाल के मुझे अब बताएंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन. क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन पी एट टाइम टी फॉर द सर्टेन माउस स्पीशीज इज सेटिस्फाइड बाय द गिवन इक्वेशन. इक्वेशन दे दिया, पी ऑफ जीरो इज गिवन. एट वट टाइम द पॉपुलेशन विल बिकम जीरो. तो जीरो कब हो जाएगा अब ये ढूंढना है. नाउ थिंक, सम पीपल आर सेइंग इट इज एल डी, सम आर सेइंग इट इज वेरिएबल सेपरेबल. जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप प्रोसीड करो, शुरू करो, आंसर निकालो. तो काफी लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर वन. ओके, मे बी इट इज करेक्ट. तो मेरे को लगता है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज मोर इजियर और मोर एफिशिएंट, तो हमें वैसा ही करना चाहिए. इट इज लाइक डी वाई बाय वाई माइनस, मैं इसको हाफ को लिख देते हैं ना, इट इज वाई वाई माइनस 900 इंटू 2 हो जाएगा एंड दिस इज डी टी. इंटीग्रेट कर दो तो 2 लॉग वाई माइनस 900 विल बी इक्वल टू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट. We know that when time is zero, the value of y is 850. अब देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे तो नेगेटिव बन जाएगा ln में, तो एक्चुअली यहाँ पर mod होता है, right? There will be mod here. तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है आगे, तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा. तुम लोग सही बोल रहे हो. तो जो आपका c का वैल्यू है वो आप t इक्वल टू जीरो पुट करके निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 log 50. एंड अदर देन दिस आपके पास उसके बाद फाइनली आ जाएगा, टाइम क्या आएगा आपके पास, वेन एवर द पॉपुलेशन विल बिकम जीरो विल बी 2 लॉग 900 माइनस 2 लॉग 50. ठीक है ना, तो 2 लॉग 18 इज द आंसर. चलिए, तो इजी क्वेश्चन है, बट ये सब नहीं करना है. ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल इज इजी. ठीक है, एलडी तब लगाएंगे जब जरूरत है, अदरवाइज नहीं लगाना है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा एलडी के क्वेश्चन को भी आप अगर एग्जैक्ट फॉर्म से कर पा रहे हो तो यूज दैट, डोंट यूज एलडी. Now the question is, let f be a, चलो ये question मैं आपको थोड़ा time दूंगा करने के लिए, ज्यादा बच्चों को, किस किस को, कौन कौन चाहता है थोड़ा खुद time दो सर करने के लिए, हमें थोड़ा ज्यादा time चाहिए तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे वो फॉर्म. ओके, कोई बात नहीं, इस question से अब थोड़ा time देना शुरू करता हूँ. f be a twice differentiable function, it is defined in a way कि f of 0 is 1, f dash 0 is 2, f dash x is not 0. And this modulus, determinant is given to me as 0. I want the value of f1 will lie in what interval? f1 के बारे में हमें निकालना है. अब आप इसके बारे में सोचो कैसे करना चाहिए. It is amazing question.
करेक्ट आंसर भी आ गया लोगों का, बट बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे पता है, बट आई विल गिव यू मोर टाइम, डोंट वरी। सोचो अभी आराम से सोचो, पेपर में थॉट कैसे आएगा? इंटीग्रेट किया जाता है तो एक स्टेप इंटीग्रेशन होता है ना, डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव बनना चाहिए। ये एक हिंट है आपके लिए, राइट? कि मतलब एक स्टेप ही ऊपर या नीचे मैं जा सकता हूँ, आई कांट गो टू स्टेप्स एट वन टाइम। तो सोचो इससे कुछ आपको हिंट मिलता है तो। सम पीपल आर गेटिंग ऑप्शन थ्री, कईयों का वन आ रहा है, कईयों का टू आ रहा है, हर ओपिनियन आ चुका है अभी तक, है ना? ऑप्शन फोर नहीं आया बस मेरे पास, बाकी सारे ऑप्शंस में किसी ना किसी का आंसर आ रहा है। सो सी, हम ना एफ से एफ डैश पे जा सकते हैं, एफ से एफ डबल डैश को ना रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक एफ डैश एक साइड पे ले आओ और दूसरा एफ एक्स जो था आपका, ये एफ एक्स को आप इधर ले जाओ। इससे क्या होगा, एफ डैश एफ डबल डैश वन स्टेप का डिफरेंस है, एफ एफ डबल एफ डैश वन स्टेप का डिफरेंस है। दिस सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इन जेई एडवांस के क्वेश्चंस, तो पीवाईक्यूज में भी बहुत सवाल है एडवांस के, तो जो इस कॉन्सेप्ट में है, बट मेंस में पहली बार आया था। तो अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या है, इट इज लाइक जी डैश डिवाइडेड बाई जी डी डैश। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग जी होता है, राइट? सोच के देखोगे तो सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एफ डैश इज इक्वल टू लॉग एफ प्लस सम कांस्टेंट। तो क्या आ गया, एफ डैश बाय एफ विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट इज एफ डैश विल बी कांस्टेंट इनटू एफ एक्स। ये आपके पास आया। आगे क्या करेंगे इसके बाद, एफ डैश जीरो की वैल्यू पता है आपको, राइट? यूज करो आप, तो यू विल गेट सी इज इक्वल टू टू, तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई। तो क्या आ गया आपके पास, log y will be equal to 2x plus c, तो y will be some constant into e power 2x. This is what we are getting, है ना? अब आपको और क्या पता है, f of 0 का value पता है आपको 1 है, तो ये value 1 आ गया, e power 2x is the function. This is the function that I am getting. तो इसके according अगर मैं जाऊं तो मेरा 1 पे value e square आने वाला है। What is the value of e square? 2.7 into 2.7 के आसपास देख लो क्या बनने वाला है ये। Obviously, आपका 9 से तो छोटा ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बाकी सबका गलत है। बहुत ही कम बच्चों ने ऑप्शन 4 दिया था, जय ने करेक्ट आंसर दिया था, आई थिंक प्रशांत का करेक्ट था, बट देर वर शुभम ऑल्सो डिड करेक्टली, देर आर वेरी लेस पीपल जिनका करेक्ट आया, राइट? लेंथ नहीं है क्वेश्चन का ज्यादा, देखोगे तो इतना लंबा नहीं है, सोचने का ज्यादा गेम है। शुरू करते हैं अभी हम अपना अगला सवाल, आई थिंक समझ में आया होगा थोड़ा इससे। So the next is, the question is y is equal to, मुझे एक function दे दिया ये, y x है ये, that satisfy the equation, x dy plus y plus x cube cos x dx, ये मुझे दे दिया, y of pi by 2 is what they are asking, y of pi is given to you as 0. सोचते हैं इसमें क्या करना चाहिए। अच्छा, जो भी एक अप्रोच बताओगे ना, कि कोई बोल रहा है होमोजीनियस, कोई एग्जैक्ट फॉर्म, कोई बोल रहा है एल डी, अगर तो मुझे ना लॉजिक बताना साथ में एक छोटे सा लिख के, कि हाउ यू गॉट टू नो कि ये करना चाहिए, है ना? बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मजा आता है मुझे तुम्हारी क्लास लेते हुए, काफी लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, अच्छा रहता है ये। सो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर देखो मेरा ओपिनियंस बताता हूँ, है ना? अभी तक जो आए हैं और गलत नहीं है, सबका मेथड सही है जो भी अभी तक आए हैं, ज्यादातर बच्चों के, है ना? एक बच्चों ने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एब्सोल्युटली सही बात बोल रहे, करेक्ट है भाई, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल है, बट एल डी ना लेंथी हो जाता है मोस्ट केसेस में। तो मैं ना हमेशा एक बार जरूर थॉट दूंगा कि यार dx और dy ना स्प्लिट करके लिख के दिया है,
और अगर कभी भी स्प्लिट करके लिख के दिया जाता है, देयर इज वेरी हाई चांस कि एग्जैक्ट फॉर्म से क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा आपका. सो इफ यू ट्राई दिस, देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक साइड पे लिख देते हैं, दिस इज एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स. यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है तो यहाँ पे 100% डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स जैसा आपको बनाना चाहिए. इससे क्या होगा आपका, आई थिंक ऐसा लिख सकते हैं हम सीधा सीधा इस टर्म को. सो वी विल गेट डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स. नाउ दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये तो सीधा ही आ गया y बाई एक्स. यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, इलेट कॉस को इंटीग्रेट करो, x को डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x दैट इज गोइंग टू बी प्लस cos x. ठीक है ना, ये आपके पास फाइनली आ जाएगा. ठीक है, जब भी स्प्लिट करके दिया है, एग्जैक्ट फॉर्म कैन सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. दो ही चीजें याद रखनी है, एक डेरिवेटिव ऑफ f बाई g कैसे होता है, एक डेरिवेटिव ऑफ f इंटू g. यू विल नॉट नीड एनी अदर रैंडम थिंग इन एटलीस्ट j मेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ एग्जैक्ट फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है नया है तो इसका प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे. अब आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखते रहना, करते रहो ऑब्जर्व, और फाइनली अब टारगेट रखो कि आंसर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करूं. ऑब्जर्व कर लिया तो बैठ मत जाओ, हाँ सर एलडी होगा, ओके फिर सोच रहे हैं एलडी होगा, तो करो जल्दी से. ठीक है ना, जल्दी से जल्दी करना इज द एम. ऑफ क्वेश्चन है, देयर इज अ फंक्शन दैट द सॉल्यूशन दैट वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स इज ग्रेटर देन टू, वाई ऑफ थ्री इज थ्री, वाई ऑफ फोर तुमसे पूछा जा रहा है. There can be multiple ways to solve this question also. बहुत सारे methods. अभी भी दो opinion आ रहे हैं मेरे पास. LD वाला opinion अभी भी आ रहा है कि एक LD बन सकता है. हाँ बिल्कुल बन सकता है LD, no doubt. But again, स्प्लिट करके लिखा है, सोचो एग्जैक्ट फॉर्म बन सकता है क्या. यहाँ पे काफी बच्चे बोल तो रहे हैं बन सकता है, और अगर बन सकता है तो व्हाट विल बी द आंसर. एग्जैक्ट फॉर्म से तो फास्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो फास्ट कर लिया अगर, तो आंसर क्या बन रहा है आपका. एग्जैक्ट फॉर्म जिनको समझ में आ गया है तो आंसर बताओ. अब देखो है ना, निकालने की कोशिश करो. तो कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा जिसका आ गया आंसर. फाइनली आंसर आ गया जिसका, है ना. वो नहीं कि मैं स्टेप पे बैठा हूं अभी तो सर कर रहा हूं कंप्लीट. जो कर चुका है अपना कंप्लीट, शुभम कर चुका है, शुभम ने आंसर भी सही बताया. शुभम यस सर, एग्जैक्ट फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, कैसे स्प्लिट किया चीजों को सर? पहले इधर ब्रैकेट खोला, उसके बाद y dx को इधर लेके आया, फिर x स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको उधर ले गया. ठीक है, इसको तुमने क्या किया, माइनस y dx एंड दिस इज इक्वल टू x क्यूब dy प्लस y x स्क्वायर dx माइनस 3x पावर 4 dx. या फिर x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अच्छा, अब तुम्हें श्योर कैसे था कि x स्क्वायर से आ जाएगा पक्का? सर यहां पे बन रहा है ना x dy प्लस y dx. नहीं वो तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ये हो गया. तो वो तो ऐसा भी हो सकता था ना, y x / y, y not y / मतलब y y / x, y not x / y. सोचने की कोशिश कर ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर y ले आए तो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी. y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरी साइड पे मेजोरिटी जगह पे x है, तो x उधर होना चाहिए राइट. तो क्योंकि हो सकता है उल्टा दे दे पेपर में, राइट, बिल्कुल हो सकता है. तो पहला थॉट गलत नहीं जाना चाहिए अपना, x स्क्वायर से कर देते हैं चलो डिवाइड. तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ y बाय x तुम्हारे पास, दैट इज x dy प्लस y dx माइनस 3x dx. आई थिंक ये भी हो गया सॉल्व, ये भी बन गया डेरिवेटिव ऑफ x into y, आई गेस राइट. परफेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा y by x is equal to xy minus 3 by 2 x square plus some constant and answer overall will be option number 2. ये करेक्ट था. ठीक है, चलिए तो सही है. एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे ना क्यूब हो जाएगा तो ये 3 will be cancelled. ओके वो स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर मैंने मिस कर दिया था पहले. ठीक है, अब ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो चुका है, पहले ये गड़बड़ था. ठीक है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी सम मोर. कौन कौन इंटरेस्टेड है एग्जैक्ट फॉर्म के और सवाल देखने में थोड़ी?
क्योंकि यही एक कैटेगरी मुझे लगता है पेन देती है लोगों को. एलडी तो समझ में आ जाता है लोगों को फिर भी. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है, वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ई पावर साइन वाई कॉस वाई जैसी चीजें हैं यहाँ पे. ओके, वाई ऑफ जीरो इज जीरो एंड मुझे ये बहुत सारे वाई की वैल्यूज चाहिए. इन शॉर्ट आई नीड व्हाट इज द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल. आगे तो फिर आ जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था तो देयर इज अ चांस कि बच्चों को टाइम भी लग जाए कैलकुलेशंस में. राइट, तो ट्राई करो देखो. अमेजिंग अप्रोच आई है एक मेरे पास अभी. सौरभ का अप्रोच इज गुड, ट्राई करो सौरभ आंसर तक पहुंचने का. शिवम का अलग अप्रोच है कम्प्लीटली, वो भी बहुत सही अप्रोच है. दो अच्छे अप्रोच आए हैं क्वेश्चन के अभी तक. ट्राई करो अब आंसर तक पहुंचने का. इससे भी सिंपल अप्रोच हो सकता है बट एक ओपिनियन आया कि आप क्या करो, e पावर साइन वाई को t ले लो. क्या बनेगा यहाँ से, e पावर साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी टी बाई डी एक्स. ओके एब्सोल्युटली, एक मेथड तो ये भी ये अच्छा है. राइट, डी टी बाई डी एक्स प्लस आपके पास सीधा t cos x इक्वल टू cos x आ गया. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा समझदार तरीके से देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना. इट इज डी टी बाई टी, इट इज डी टी बाई 1 माइनस टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है ना, हो जाएगा. और क्या अच्छा मेथड आया मेरे पास अभी तक, एग्जैक्ट फॉर्म. एग्जैक्ट फॉर्म से अभी आप लोग सोचो कि कैसे बन रहा है, हाउ कैन वी मेक दिस बाय एग्जैक्ट फॉर्म. रूपम, ओके आई थिंक पहले का एंड्रेस है. तो एग्जैक्ट फॉर्म से अगर मैं सोचता हूँ तो देखो, पहले तो ना डी वाई डी एक्स को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे. दिस थिंग कॉस वाई डी वाई प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ गया इंटू ई पावर साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स. ये मेरे पास बन गया. दिस इज ई की पावर साइन वाई. एंड अब देखो ये बची हुई चीजों का ना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं हम लोग. दिस इज ई पावर साइन वाई पे एक फंस जा रही है बात. तो अब देखो आपको अगर ट्राई करना ही है क्योंकि प्लस साइन है, इट शुड बी लाइक डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी, पर कर ही नहीं पाओगे यहाँ से. तो एग्जैक्ट फॉर्म से कुछ बन ही नहीं पा रहा. आई थिंक कोशिश करके देख तो रहा हूँ मैं, वो बन नहीं पा रहा है कुछ, है ना. आप कोशिश भी करोगे ई पावर साइन वाई इंटू इंटू साइन एक्स का भी डेरिवेटिव लेने का तो नहीं बन रहा है ना ऐसा. तो एग्जैक्ट फॉर्म से नहीं बन पाएगा इस क्वेश्चन में. अकॉर्डिंग टू मी वी कांट यूज एग्जैक्ट फॉर्म इन दिस क्वेश्चन. ओके, यस रूपम. I have taken e sin y cos y dy by 1 minus e sin y e to the power sin y is equal to cos x dx. After simplification I found this. अच्छा, अगर देख तो simplification में तुमने कैसे किया, dy by dx लिखा था पहले? हाँ सर, एक step में बोल रहा था e to the power sin y cos y. ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ तुम्हारा, एक मिनट रुको. This is divided by e power sin y cos y, ऐसा आ गया. राइट, तो इट इज अगेन अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डायरेक्टली भी देख सकते हैं. राइट, जो फर्स्ट मेथड है उसमें पहले सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई किया गया. परफेक्ट है ये भी. राइट, सोच रहे की बात है. राइट, यहाँ पे भी वही करेगा, ई पावर साइन वाई को टी लेगा, है ना. तो क्या बनेगा, बी टी बाई वन माइनस टी, सेम आ गया ना. बिल्कुल वही है, तुमने बाद में किया उसमें पहले हो गया था. चलिए, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आई थिंक एग्जैक्ट फॉर्म से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन. ठीक है ना, बार ज्यादा ट्राई नहीं करना होता, ओवर डू नहीं करना है. हो रहा है तो दिख जाएगा, नहीं तो इग्नोर दैट, यूज अनदर थिंग, टाइम वेस्ट मत करना. आगे देखते हैं. क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मुझे इक्वेशन लिख के दे दिया गया है that pass through point 0,1 and 2, beta. So beta ka value is what you need. Beta will be root of which equation? Matlab beta nikalna hai pehle. Okay. Sochte hain beta kaise aa sakta hai?
सम पीपल आर सेइंग एलडी, बिल्कुल ओके, इट इज अ एलडी, कर लो एलडी की तरह, अगर तुम्हें एलडी अच्छा लगता है तो दो फुल डीएक्स बाय डीवाई में बनेगा एलडी, ये है ना, क्या बनेगा आपका डीएक्स बाय डीवाई, सो डीएक्स बाय डीवाई विल बिकम 10y स्क्वायर माइनस 2x/y, एब्सोल्युटली यू कैन यूज दिस, और क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म जैसा नहीं बन पा रहा क्या इस क्वेश्चन में, इफ वी ट्राई, क्योंकि x dx एंड dy आर स्प्लिटेड ऑलरेडी, हो सकता है एग्जैक्ट फॉर्म से हो जाए फास्ट, राइट, दैट इज जस्ट माय थॉट, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, बस मेरे को पर पहला थॉट वही आता है, चलो एक बार ट्राई करके देखें क्या पता हो जाए, बट मेरे को लगता नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, दिस इज 10y क्यूब dy, प्रॉब्लम इज ये टर्म ना सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, दिस इज x dy प्लस डेरिवेटिव ऑफ xy इक्वल टू 10y क्यूब dy, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये टर्म तो रह ही जाएगा, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस टर्म, दिस ही कारण हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म से आगे नहीं कर पाएंगे, तो वी हैव टू यूज LDE ओनली आई थिंक, तो क्या बन रहा है dx by dy plus 2x/y is 10y square, so यहाँ पे बस आप function of y को integrate कर देते हैं, it is e power 2/y dy, that is e power 2ln y, that is ln y square, जो कि y square ही बन गया, तो answer क्या आएगा, x into integrating factor equal to integration of q multiplied by the integrating factor, तो power 4 हो जाएगी, right, so this will be equal to 2y power 5 plus some constant, okay, आई थिंक इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वाई पावर फाइव बनी गया ना, वही आंसर सीधा आ जाएगा आपका, ओके, एग्जैक्ट फॉर्म ट्राई जरूर किया बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, पीपल आर सेइंग ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, लेट्स वेरीफाई दैट, पावर 5 माइनस स्क्वायर माइनस 1, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन आई थिंक अब हमारा हो चुका है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं आती है ऑनेस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस में, कैलकुलेशंस ही होती हैं बस, जिसमें नया नया मुश्किल मुश्किल इंटीग्रल आता रहेगा कभी ना कभी, राइट, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, तो आई विल गिव यू अलॉट ऑफ टाइम बट आई वॉन्ट फाइनल आंसर, दैट इज द मेन एम अभी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है, 2x² dy plus e power y minus 2x dx is 0, y of e is given to me as 1, y of 1 पूछना चाहते हैं मुझसे, अब इसमें हम सोचेंगे कि क्या करना है, ध्यान से सोचेंगे और एंड टू एंड निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर के वैल्यू है, स्टेप्स की कोई वैल्यू नहीं है पेपर में, फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है क्या लोगों को, अच्छा फर्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा तो dy by dx लिखो, है ना, देख के नहीं लग रहा एग्जैक्ट फॉर्म, भूल जाओ, इंस्टेंट आएगा दिमाग में तो आएगा, नहीं तो हटा दो, है ना, जब बार बार मेहनत नहीं करनी है, एक बार में आता है समझ एग्जैक्ट फॉर्म तो ठीक है, नहीं तो कोई और मेथड आ जाएगा, क्या है dy by dx, e पावर y माइनस इट इज 2x माइनस e पावर y अपॉन 2x स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, दैट इज माइनस e पावर y बाय 2x स्क्वायर प्लस 1/x, फिर से फंस गए, डायरेक्टली तो देख के नहीं पता लग रहा है,
डायरेक्टली तो ये बन ही नहीं रहा है, मेरा कोई एल डी नहीं बन रहा, कुछ और नहीं बन रहा, सोचो। सौरव योर मेथड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिव्या का भी एग्जैक्ट सेम मेथड है, परफेक्ट है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं देखो ई पावर वाई को टी ले लो, देखो यार तुम लिख के तो देखो जो तुम बोल रहे हो, क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? उससे तो कुछ आ ही नहीं पा रहा, प्रॉब्लम हो रहा है उससे तो वैसे ही, तो ये करने का फायदा नहीं हुआ, तो आपको कुछ और सोचना चाहिए। जो बच्चे ई पावर वाई बोल रहे हैं दैट इज रॉन्ग, आसपास ही हो आप बट इससे आएगा नहीं। है ना, e पावर वाई से कुछ नहीं बन रहा है, वाई से डिवाइड करते हैं इस टर्म से, ये बन गया, क्या बना देखो, e पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस e पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर। दिस इज अनदर हिंट फॉर यू गाइस, जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी, अब दिख रहा है आपको कोई पैटर्न? तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही भी दे दिया, राइट। अब पैटर्न क्या है देखो, कैसा होता है, डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बाई टी इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स, सर ऐसा होता है एल डी। तो जो भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई है वो बिल्कुल टी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो माइनस ई पावर माइनस वाई को टी लूंगा मैं, तो इससे क्या होगा मेरे पास ई पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स सीधा डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, तो माई आंसर विल बी डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर इंटीग्रल वन बाई एक्स, राइट, जो भी यहाँ पे है, तो इट इज जस्ट एल ई पावर एल एन एक्स जो कि एक्स ही बन गया। फाइनल आंसर क्या है, टी टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि बना माइनस वन बाई टू एक्स, तो आपके पास आ गया टी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब टी की वैल्यू बाद में दोबारा से पुट कर दो जो भी तुम्हें चाहिए थी जिस भी फॉर्मेट में, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये, इट इज ई पावर माइनस वाई इंटू एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है ना, माइनस साइन मैंने दूसरी साइड ले गया, वाई ऑफ ई इज वन, आई थिंक यू विल गेट योर आंसर, आई थिंक इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, यू कैन वेरीफाई दैट, बर्नौली इक्वेशन है ये। कई लोगों को बर्नौली नाम याद होता है, जिनको नहीं याद होता है ये नाम कोई जरूरत भी नहीं है, तो मैं बस इतना समझो कि भाई मुझे एल डी बनाना है तो आई जस्ट हैव टू कंपेयर विद दिस डी टी बाई डी एक्स वाला इक्वेशन, अपने आप समझ में आ जाएगा, जो भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई है डायरेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग टी। ठीक है ना, सो दिस वॉज द लास्ट टाइप, है ना, बस रिवाइज कराना था ये टाइप, ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे काफी सारे डीपीपी में भी ऐसे, बट रिविजन एक बार हो गया तो आई थिंक अच्छा है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माई एंड, नाउ यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, जो भी एक्सेप्ट दीज पीवाईक्यूज, अब जो भी और इंजन तुम्हारी दिमाग में चीजें चल रही हैं। सुभोजित को तो अनम्यूट नहीं करूंगा, सुभोजित हर क्लास में सबसे पहले हैंड रेस करता है, तुम बहुत ज्यादा पूछोगे ना तो तुम कुछ खुद नहीं कर पाओगे ना, तो आस्क लेस, बहुत ज्यादा पूछते हो तुम हर क्लास में ही। सौरभ सर वेरी गुड इवनिंग, यस सर मेरा सर बड़ी मतलब थोड़ी सर जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ जेन क्वेरी ले लो। सर मेरा डाउट ये था ना कि सर मेरे साथ ना हो क्या रहा है कि मैं क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि मैं मतलब थ्योरी रिवाइज करने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल ही, मतलब कि हर टाइम मन कर रहा है कि क्वेश्चन को ही कर देना, फिर क्वेश्चन गलत तो जा रही है, बाद में रिग्रेट हो रहा है, और फिर मतलब थ्योरी का बिल्कुल ही नहीं कर रहा कि दोबारा देखूंगी। ठीक है, ये नेचुरल है क्योंकि तेरे को थ्योरी लग रहा है कि ये तो पता है मेरे को, तो सही कर रहा है, थ्योरी देखना ही नहीं, तू थ्योरी सिर्फ भूल जा रही कुछ कुछ चीजें। अब तो टेस्ट के हिसाब से देख लेना, टेस्ट में जो भूलता है, टेस्ट में जो गलत करता है उसी को देख लिया कर बाद में, स्पेशली मत बैठ क्योंकि नहीं बैठ पाएगा, टाइम वेस्ट ही करेगा, उससे अच्छा जितना टाइम बैठना है टाइमर लगा के टेस्ट कर ले, टाइमर लगा के एक चैप्टर टेस्ट की तरह कर ले, बेटर है, ज्यादा सीख जाएगा। और सर जैसे सर एक छोटी सी और क्वेरी थी सर, जैसे मैं अभी जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहा हूँ, जैसे फरवरी डेट, तो सर ऐसा हो रहा है कि मैथ्स में सर मेरे क्वेश्चन जो है मोस्टली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अगर टफ पेपर है तो टफ वाले पेपर में 13 और अगर ईजी है तो उसमें 17 या 18, फिर उससे आगे नहीं मतलब वो बारह। अच्छा कर रहे, अगर तेरे टफ में 13 हो गए तो तेरे 50 नंबर पार हो गए टफ पेपर में, मैथ्स में यस सर 50 पार हो गए तो तेरे मैथ्स में अगर तू 60 पार कर दे उसको, तेरा 99 पक्का हो जाएगा मैथ्स में उस पेपर में। यस थैंक यू सर अ लॉट। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही सोचना है क्योंकि पेपर टफ हो रहा है तो भाई मैथ्स टफ होने पे ना लोगों का गिवअप हो जाता है, एकदम स्कोर ड्रॉप होता है, तुम अगर तब भी 17 से 13 पे ही आए तो इट इज वेरी गुड, इसको रिटेन कर, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो के, इससे एक क्वेश्चन ऊपर ही जाना चाहिए कम से कम।
सही है, अच्छा स्कोर कर रहे हो अभी, डिसेंट स्कोर कर रहे हो। सूर्यांश सर प्रैक्टिस करने के लिए सर मार्क्स ऐप में जो 500 मॉड्यूल है उसको सर 5 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा, मतलब वो रिलेवेंट है ना? पूरा का पूरा करने के लिए देख, अगर तेरे पास और कुछ, अभी तो रिवीजन सारी कर चुका है फिर तो कर ले पूरा का पूरा, नहीं तो उतना कर जितना रिक्वायर्ड है ना, ओवरडू नहीं करना है चीजों को। तो वो जो 500 क्वेश्चन थे सर, 500 तो मैं दे दिए, अब तेरे को चाहिए ही नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुझे आता है ऑलरेडी, बिना मतलब टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है ना फिर कोऑर्डिनेट पे। जो चीज नहीं आती, जो कम आती है उस पर ज्यादा टाइम लगा, मैं कहना चाहता हूँ। मान ली तुझे वेक्टर 3D नहीं आता, वहां पे सवाल तूने किए फिर तू अगले चैप्टरों में बढ़ गया, बट तुझे फिर भी नहीं आता वेक्टर 3D, तो वेक्टर 3D पे टाइम लगा, आगे मत बढ़, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि मेजॉरिटी चैप्टर अच्छे कर चुका है, थोड़े चैप्टर जो बचे हैं उनको रिपेयर कर ले, छोड़ देगा। यस सर, थैंक यू सर। जय, गुड इवनिंग सर। यस जय, गुड इवनिंग। मैंने एक मतलब मेरे लिए सूटेबल मैंने प्लानर बनाया कि मैं एक दिन 11th करूंगा, एक दिन 12th करूंगा, लेकिन जो मैंने टेस्ट का प्लानर बनाया वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, कभी इनमें बैकलॉग आ जा रहा है रिवीजन में, तो कभी टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको मैनेज कैसे करूँ मैं? मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिवीजन भी करूँ टेस्ट भी दूँ। अच्छा, तो रिवीजन भी करे तू चाहता है और टेस्ट भी दे, तो देखो प्लानिंग चाहिए। तो देख दिन का ना एक स्लॉट को ना ब्लॉक कर दे, कि देख रिवीजन शायद तू ज्यादा टाइम नहीं कर पाता होगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट तू अगर रेगुलरली थोड़ा थोड़ा भी निकाल पाया तो हो जाएगा सेट। तो स्लॉट को पहले रख ले सिर्फ 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा फिर भी निकाल लेगा तो, अगर एक स्लॉट फिक्स करेगा उस स्लॉट को एक्सपैंड करता जाइए स्लोली स्लोली, जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन उस स्लॉट को बड़ा कर दे, 1.5 से 2-2 घंटा का ऐसा स्लॉट बना ले अपना एक दिन का, कि इस टाइम पे यही करूंगा। या फिर मान ले जैसे सुबह उठता है, सुबह उठते हुए तो दिमाग क्लीन होता है बिल्कुल ही, सुबह उठते ही रिविजन कर डाल, टेस्ट तो देगा नहीं सुबह उठते ही, वैसे भी टाइम पास ही करेगा, रिविजन पे लगा दे वो वाला टाइम बेस्ट रहेगा। डेली सुबह का 1.5 घंटे का स्लॉट सिर्फ रिविजन करता है, सुबह उठ के एकदम फ्रेश जो याद चीजें आ जाती हैं एकदम दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा सुबह सुबह ही। ठीक है, सो अभी सुमित, अच्छा रूपम बोल रहा है कि नाक से एकदम ड्रॉप हो गया 180 से 100 पे या 100-200 में 150 में आने लगा है। देखो अगर बैठने का मन नहीं करता है तो एक डायरी रख लो बस अपने सामने, तुम जिस टाइम पे टेबल पे बैठोगे एग्जैक्ट टाइम नोट डाउन कर दो, और जिस टाइम पे उठोगे एग्जैक्ट टाइम लिख दो, चाहे वॉशरूम भी क्यों नहीं जा रहे हो तुम, शाम को जब देखोगे ना कितने घंटे टेबल पे बैठा था, कितने घंटे कुछ कर रहा था एक्चुअली, अपने आप ही अगले दिन से पढ़ने बैठ जाओगे, शर्म आ जाएगी खुद को, यही करना होता है, मैंने खुद यही किया था जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो। ठीक है सुमित। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ यस सुमित सर, मैं डाउट था कि सर जैसे कि मैं पीवाई की 2021 का सारे चैप्टर्स का कर चुका हूं। ठीक है, और तो मैं सोच रहा हूं कि जो 500 वाला जो क्वेश्चन है मार्क्स ऐप पे, हां वो करूं कि मैं डीपीपी जो किया हुआ वो करूं, कि मैं वो कर सकता हूं मैं एक, हां हां दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा बनाते हैं। देख तो अगर पीवाई को कर चुका है मतलब आई थिंक यू डोंट फेस मच डिफिकल्टी इन जेई मेन के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, तुझे नंबर ज्यादा बढ़ाने ही है बस, अभी तेरा एम वही चल रहा है राइट, तुझे बार बार पढ़ने तो नहीं पड़ते टॉपिक्स, तो तुझे क्या करना है? बोलो बोलो सर। मॉक में मेरे सर 150 से ऊपर नहीं आ पाते, तो फिर तो तुझे रिवीजन करनी है बेल के, तो फिर तुझे नहीं करना मार्क्स ऐप वाले क्वेश्चन, तुझे सारे नहीं करने, तुझे पहला प्रायोरिटी रखना है अपनी डीपीपी का रिवीजन। तूने डीपीपी रिवाइज की, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया जिस चैप्टर में उस चैप्टर के कर डाल, बाकियों के नहीं करने है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस आ गया पढ़ के उसमें टाइम वेस्ट मत करियो, क्योंकि तेरे को टाइम लगाना है अभी है ना कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा अभी, और जो बहुत ही वीक है उसको भी नहीं छेड़ना है, पता लगा पीएनसी बहुत ही वीक है और लगे हुए पीएनसी करने, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है ना, तुझे सारा नहीं करना है, बट कभी भी 100% नहीं करना है उसको, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि 100% वो बच्चा करे जिसका बाकी सब हो गया, पीवाईक्यू सब हो चुका है राइट, अब मैं सारा फॉलो कर डालूंगा। अगर आप संतुष्टि चाहिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, तू बैठ के सिर्फ मैथ्स मैथ्स में लग गया है, सारी चीजें करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए दिन के 10 घंटे मैथ्स ही कर रहे हो बस, क्योंकि नंबर एंड में मैथ्स नहीं बनाती है, रियलिटी ये है, असली नंबर बनते हैं केमिस्ट्री से आखिरी के टाइम पे, लोगों के ना फिजिक्स से नंबर बनते हैं आखिरी के टाइम पे, ना मैथ्स से बनते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा गेन करने का चांस रहता है। तो हर बंदा तुम देखोगे कोई भी टॉपर की तुम टॉक भी सुन लो कुछ भी कर लो वो यही बोल रहा होता है एंड में केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, फ्री का नंबर है तो वो मिस नहीं करना है, बस मैथ्स के चक्कर में पागलों की तरह लग गए मैथ्स में पता लगा, ठीक है ना, बस इतना कहना चाहता हूँ, बाकी तो करता रहे मार्क्स ऐप से जो करना है राइट, प्रायोरिटाइज कर ले टॉपिक्स को अपने लिए। ठीक है, यस दर्श सर, जैसे कि एक एक टॉपिक्स लेने हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो फिजिक्स में स्क्रू गॉज जो बनने का लेपर, और मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स, और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन का जो होता है आइसोमरिज्म वाला, तो सर अगर मैं आज पढ़ लिया तो हाँ ठीक है क्वेश्चन लग जा रहे हैं बढ़िया है, 5 दिन बाद 7 दिन बाद अगर मॉक देने बैठता हूँ तो वही क्वेश्चन मुझे छोड़ के आने पड़ते, उससे स्कोर गिर रहा है। ओके, पहले हो जा रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहे,
मतलब कि आज पढ़ा दिया तुम रिवाइज करके तो हो गया, अब थोड़ा बाकी सब्जेक्ट को पढ़ के फिर मॉक देने जा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट भूल जा स्क्रू गॉज का ही भूल जा रहा हूँ ये भूल जा रहा हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर, पहले तो एक पेज पे समराइज करके रख और उसी को बार बार पढ़। तुम क्या कर रहे होगे, तुमने स्क्रू गॉज पढ़ा कहीं से, तुमने फिर दो तीन जगह से पढ़ डाला होगा स्क्रू गॉज को भी बार बार देख रहे होगे, कुछ है तो है नहीं है तो फॉर्मूला एक। अगर एक जगह से इज्जत से एक ही पेज पे लिखा होता और उसी को चार बार देख लिया होता तो गलत तो ना होता, इतना तो तेरा दिमाग जानता है। चार अलग जगह से नहीं पढ़ना, बस उसको एक जगह पे लिख के रख और उसको पढ़ लियो। ऐसी जो नीच चीजें हैं ना, जो जैसे मान लो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये सब मुझे भी बताई गई थी, मुझे भी लिस्ट दी गई थी एंड में, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है तेरे को, तो मैंने भी यही सब किया था, रट लिए थे फॉर्मूले और रट लिए तो भूल गए, वहां पे तो हुआ नहीं मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व इनका, ये सब जीरो आया था इन सब में मेरा जेई मेन में ये सारे चैप्टर्स में, तो मैं रिलेट करता हूँ इस प्रॉब्लम से। और मेरा रीजन क्या था, मैंने कभी इनको इतना वैल्यू दिया ही नहीं था और मेरे पेपर में मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ था इतना वैल्यू है। तो कर लेगा तो एक बार हो जाएगा, तू एक बार फॉर्मूले लिख के रख लेना, बट ऐसा मत करना कि उसे देखा नहीं, उसी पेज को देखना बार बार, कोई किताब नहीं देखनी है तेरे को, एक एग्जांपल लिख के रख दे अपनी संतुष्टि के लिए अच्छा सा, जिसको पढ़े तो हमेशा रिवीजन हो जाए तेरी, ठीक है ना। शिवम, सो लास्ट की दो क्वेरीज अभी लेंगे, शिवम की ले लेते हैं, देन आई विल अनम्यूट वन मोर पर्सन, दैट इज ध्रुव। ध्रुव से बात हो गई? यस सर, मार्क्स सैचुरेट हो गए हैं और आपने जैसे बोला था अटेम्प्ट बढ़ाने के बाद भी सर पढ़ नहीं रहे हैं ना, वो तो मैं तूने मेरे को बताया तेरा स्कोर तो अच्छा है बट डेफिनेटली सैचुरेट हो गया उसके बाद, अब सर उसके बाद बढ़ ही नहीं रहे, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया है, बहुत टफ हो जाता है, मतलब वो सडनली कुछ अलग ही ब्रेक थ्रू चाहिए होता है कि तुम क्या ऐसा गलत, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेजर गलत कर नहीं रहे हो, तुम ऑलरेडी 200 ला रहे हो एग्जाम्स में, तो बहुत ज्यादा गलतियां मेजर नहीं कर रहे हो तुम, कोई बड़ी बड़ी की जो तुम आइडेंटिफाई फटाफट कर लेते, अब तुम्हारी गलतियां हो रही है कि बट अब देख तेरा वेरिएशन कैसा है, तेरा सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन आता है जब तुम अलग-अलग डिफिकल्टी के टेस्ट देते हो, मतलब सर मतलब कि मैथ्स में कभी ज्यादा आ रहे हैं कभी केमिस्ट्री में ज्यादा आ रहे हैं? नहीं सर, मेरा कंसिस्टेंट है, फिजिक्स में हाईएस्ट है और मैथ्स में फिर है, उसके बाद केमिस्ट्री में ऐसा। देख तेरा सबसे लोएस्ट आ रहा है केमिस्ट्री, पेन पॉइंट तेरा केमिस्ट्री है, तुझे मैथ्स फिजिक्स को छोड़ के ना केमिस्ट्री पे लग ले, तेरे कहां केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई कर कौन से पोर्शन की बार बार गलतियां हो रही है, उनके पेल के एनसीईआरटी से ही पढ़ी सिर्फ, ढंग से पढ़ बस उसकी लाइनों को और क्वेश्चन करता जा जितने कर सकता है, चाहे सेम सवाल को बार बार कर ली, पीवाई क्यूज कर ली फिर से कर डाल, क्योंकि तेरे को ना याद नहीं हो पाई है, तेरे को तेरा दिमाग बोलता होगा पेपर में बैठ के जैसे मेरे साथ होता था कि हाँ यार ठीक तो है, टिक किया आगे बढ़ गए, फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं उसको। एक मैं तेरे को एक्टिविटी देता हूँ, तेरे साथ पेपर में ये तो होता नहीं होगा, टाइम क्रंच है तेरे पास राइट, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचता होगा फिर हमेशा थोड़ा सा निकाल सकते हो तुम 5 मिनट अगर मैं बोलूँ पेपर में। Yes, sir, 10 मिनट के आसपास बचा। बिल्कुल, अब तुझे क्या करना है उस 10 मिनट में, तुझे ना मैथ्स देखनी है ना फिजिक्स देखनी है, सिर्फ केमिस्ट्री को दोबारा देखना है, चाहे सवाल तेरे से हो गया था फिर भी देख दोबारा। देखो पता है मैंने बिटसेट का पेपर 2 घंटे 15 मिनट तक मैंने कर लिया था सब कुछ खत्म अपना, और मैंने क्या किया था ना उसके बाद बैठ के कि मैं केमिस्ट्री में 40 में से ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12 सवाल चेंज कर डाले थे मैंने, सोचो पहली बार में कितना ज्यादा गलत किया था। और दिमाग को क्या चाहिए, एक बार दोबारा दिखा दो क्वेश्चन तो याद आ जाएगा शायद राइट, यही तो होता है, दोबारा दिखा दोगे तो शायद याद आ जाए, तो यही करना है तुमको, तुम्हें टाइम निकाल के बस केमिस्ट्री को रिविजिट करने पे फोकस कर और किसी को मत कर रिविजिट, क्योंकि देखना तेरे पास 10 मिनट है तो फिजिक्स पे रिविजिट करेगा तो शायद अच्छा दिन हुआ तेरा तो 2 क्वेश्चन और कर दे, उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे 2 या 3 राइट, केमिस्ट्री में तो बहुत हाई चांस है कि तू अपने पुराने में से नेगेटिव बचा लेगा इतनी सारी। सर एक और क्वेरी, सर मैं मैथन मैं जहाँ पे टेस्ट दे रहा था एलन में दे रहा था वो टेस्ट सारे हो गए हैं पूरे लगभग, तो मैं अभी मैथन को की शुरू कर सकता हूँ क्या फिर कुछ तुम्हारी मैथन को की जो टेस्ट तुम्हें तुम्हें टेस्ट तो है ही अवेलेबल, बिल्कुल यू कैन डू दैट, तुम्हें तो रिफंड मिल जाएगा यार, तुम तो वैसे ही 99 प्लस ले आओगे अगर तो तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मुझे लेना है और मुझे 99 लाना है और मेरे को रिफंड ले जाना है बस राइट, तो ये सोच के चल बस तू तो है ना, और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कहीं, और अभी काफी लोग तुम्हें बोलेंगे जे एडवांस के कर लो ये कर लो, डिस्ट्रैक्ट मत होइयो, जरूरत नहीं है सीरियसली अभी नहीं करने की जरूरत है वो, अगर तुम पहले से नहीं कर रहे थे तो कर रहे थे तो अमेजिंग ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, ध्रुव से बात हो गई है हमारी? नहीं सर। यस ध्रुव सर, मेरे को है कि मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेरा इनऑर्गेनिक बचा है तो मैं अभी वही कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी पहले ठीक से नहीं पढ़ी तो मैं वही पढ़ रहा हूं, बट ऐसे है कि मैथ्स या फिजिक्स में नहीं कर पाता, टाइम नहीं दे पाता, मैं सोचता हूं कि आज ये रिवाइज कर लूंगा, ये इतने क्वेश्चन कर लूंगा, बट वो टाल देता हूं मैं। टाल क्यों देता है, मतलब कि टाइम नहीं मिलता तेरे को सही में जेन्युइनली या फिर तेरा दिमाग ही बोलता है रहने दे करना नहीं है? नहीं पता नहीं, मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो स्पीड करने जैसे पढ़ भी रहा होता हूं तो थोड़ी स्लो होती है, कोई नहीं कुछ ना कुछ चीज में टाइम डील कर ही देता हूं ऐसे। ठीक है, कुछ ना कुछ में डील कर देता, तो तू अपने दिन को प्लानिंग तो करता होगा, जब तू दिन को ब्लॉक वाइज प्लान करना शुरू कर कि ये 1-2 घंटे का जो सुबह का स्लॉट है इसमें ये करना है, और डोंट ओवर कमिट, पहले दिन कर ले ओवर कमिट, अगले दिन फिर क्या करेगा वही पिछला बैकलॉग पहले कंप्लीट करेगा, अगले दिन के टारगेट पे नहीं जाएगा अदरवाइज,
ये मान के चल राइट, और लिमिट कर दे थोड़ा सा चीजों को। मान ले पहले तू कर रहा था, तूने रखा था 25 क्वेश्चन कर दूंगा, तुझे पता लग गया नहीं होते 25, टारगेट इज 20 क्वेश्चन करूंगा या फिर 15 करूंगा बट बहुत अच्छे से करूंगा। सर मेरे को ये भी होता है कि मैं करूं कहां से, मतलब मार्क्स एब्सेप्ट करता हूं लेकिन सर वो फिर सॉल्यूशन देख के ठीक से समझ नहीं आता है, मतलब जैसे आपकी वाली अप्रोच होती है ना तो वो सॉल्यूशन देख के मेरे को नहीं। अब देख तुझे, तू मेरी वाली अप्रोच तो ऐसे, तू वीडियोस देखेगा तो तू कभी नहीं कर पाएगा वो अप्रोच राइट, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो सॉल्यूशन पे जाना क्यों पड़ रहा है पहली बात, तो तुम ऐसे टॉपिक्स पहली बात तो दिमाग से अभी हटाओ, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में बैठे हो, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी बात करते ही राइट। देख पहले तो प्रेशर किन टॉपिक्स के कारण क्रिएट हो रहा है, जो सबसे बिल्कुल ही नहीं आते तेरे को उनसे ही हो रहा है ज्यादा प्रेशर क्रिएट। मान ले उनको करना ही ना हो, जीरो करे उससे, फिर भी तेरे 200 आ सकते हैं, डुएबल है। तेरे अभी कितने आ रहे हैं? सर अभी तो कुछ भी नहीं, मैं और मेरे तो मतलब मॉक टेस्ट कोई बात नहीं, नहीं बता नंबर, मैं नहीं जानना चाहता। तेरे एक्स नंबर आ रहे हैं, तेरे एक्स नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तेरे पास पोटेंशियल है बहुत ज्यादा पे रीच करने का। तू काम एक काम करेगा, बैच खत्म हो गया ना सब कुछ, अनुप सर ने एक वो दिया था कि ऑर्डर वाइज कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो एक दी थी चेकलिस्ट राइट, उसमें से ना तेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीक जब तुम आओगे हमारी क्लास में तब तक तुम्हें उसके टॉप 5 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, चाहे तुझे आते हैं चाहे नहीं आते। देख अब टॉप 5 चैप्टर्स नॉट फॉर मैथ्स, फॉर फिजिक्स ऑल्सो, फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। फिर तुम अगले हफ्ते जब आओगे द टारगेट विल बी नेक्स्ट 5 करके आऊंगा। इससे क्या होगा, तू पेपर से जाने से पहले 20 चैप्टर ढंग से करेगा, शायद तू 25-30 चैप्टर नहीं करेगा औरों की तरह, बट तू वो ढंग से कर लेगा, प्रेशर मत ले। और उतने से तेरे मेजोरिटी नंबर आ तो गए यार, क्या करना है, नीचे के चैप्टर्स करके 4-5 सवाल जो आएंगे छोड़ देंगे ना यार, हम उनको अभी के लिए छोड़ देंगे ना, ठीक है ना। प्लान इस तरीके से कर, टारगेट मिल गया तेरे को, नेक्स्ट वीक हम लोग, अच्छा नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर 3D का डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यू का, एंड तब तक तुम मान के चलो अब तुम करके आओगे एक सेक्शन अपना कंप्लीट। वेक्टर 3D वैसे भी टॉप में आता है तो अब तू मान ले तुझे और चीजें, बट सिर्फ मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी। अब रिविजन में तुझे लग रहा है 25 क्वेश्चन दिन के नहीं हो सकते, 15 कर, अगर टाइम बचेगा दिन का तो अगले 10 भी कर लेंगे, बट अभी 15 ही करेंगे। तू सोचता होगा 25 कंप्लीट करके ही उठूंगा अब, तो नहीं है ना टाइम तूने सोचा था 1.5 घंटा लगाऊंगा, 2 घंटे हो गए, क्वेश्चन अभी 15 ही हुए, रुक जा बस, हो गया 15, उठो शांति से बैठो 5 मिनट, नया चीज शुरू करो, हो गया उसका टाइम अब, है ना। थोड़ा खुद के साथ जेई ना, जेई इज नॉट द बैटल बिटवीन यू और एनी अदर पार्टिसिपेंट, इट इज जस्ट द बैटल विद योरसेल्फ ओनली। तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ जाता है भाई, जब मैं जेई दे रहा था तो इतने प्रेशर में हम लोग निकलते थे, बट जैसे ही जेई का वो सीन निकलता है ना तब रियलाइज होता है कि भाई बहुत कुछ सीख गए हैं इस चीज से। तो यही गेम है, क्योंकि वहां पर जब तुम IITs, तुम्हें जो सुंदर लग रहा है ना सुनने में IITs बिट्स, बहुत टॉक्सिक होता है वहां पे भी कल्चर, कई चीजों में बहुत टॉक्सिक होगा, बट सब लोग इतने स्मार्ट होंगे, इतने कम्पिटेटिव होंगे कि तुम्हें, तुम्हारा दिमाग तब तक इतना रेडी हो जाएगा कि प्रेशर तो मैं ले लेता हूँ यार, ये मेरे लिए ईजी है अब, ये सारी चीजें प्रेशर लेने के लिए रेडी करता है जेई हम लोगों को। जेई इज नॉट अ नॉलेज का एग्जाम, इट इज प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो उस दिन, मेरे को लगता है जेई मेन तो बच्चा पैटर्न मैचिंग से भी बहुत सारे सवाल करके आ सकता है, बट प्रेशर हैंडल करना इज द एम। अब वो प्रेशर क्यों आ रहा है कि सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, तो कम करना अपने लिए, क्यों प्रेशर दे रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट किया, कम करेगा तो नंबर भी ले आएगा शायद ज्यादा, इजंट इट। पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कम ही सोच के चलूंगा तो मैं और ज्यादा दिन में उतने करूंगा, अगर 5 लाइन बोलूंगा बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है ना। अब तो आया एंड टाइम में, अब तो बोल रहा है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब तो बोल रहा है मैं सारा भी कर लूँ, सब कुछ नहीं मिल सकता ना यार एक साथ। अटेम्प्ट 2 तक सारा कुछ हो जाएगा प्रैक्टिकली सोचेगा तो शायद, अटेम्प्ट 2 में और भी ज्यादा अच्छा कर दे, बहुत ही फोड़ दे, बट तू अटेम्प्ट 1 में भी सारा करना चाहता है, 2 में भी सारा करना चाहता है, फिर तो कहीं भी नहीं होगा सारा, नहीं हुआ ना सारा अभी तक, 2 साल बिता दिए तो कैसे हो जाएगा 20 दिन में, नहीं हो सकता ना। तो प्रैक्टिकली सोच और उतना ही काम कर जितना ढंग से हो पाएगा, नंबर तो तभी आएंगे ना, प्रेशर भी तभी कम होगा, अदरवाइज तो तेरा दिमाग कभी बोलता है कि अरे पढ़ तो लिया आता फिर भी नहीं मुझे, ऐसा होता है तेरे साथ कई बार, ऐसा थॉट आता है, बिल्कुल होता है कि भाई क्वेश्चन ढंग से करना, उसी के नहीं हुए दोबारा कर उन्हीं को, मत जाना है पे, रट जाने चाहिए तुझे, तेरा टारगेट है अगर तूने 15 क्वेश्चन किए तो वो तुझे रट जाने चाहिए, जब तक नहीं रट रहे 2 बार पढ़ना पड़े चाहे उनको रट लेना है, क्योंकि दिमाग तभी तो बताएगा पेपर में कि भाई तुझे याद है ये, कभी बोर्ड के पेपर में खुद की कहानियां भाई, मतलब चलो तुम्हारे जमाने में चल जाती होंगी अब आज की डेट में ऑनलाइन हो गया है, बट भाई इनफैक्ट बोर्ड में भी कुछ तो पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड, तभी लिख पाता है इंसान भी तो राइट, कुछ पता ही नहीं गाना थोड़ी लिख के आओगे राइट। अब पढ़ चैप्टर का नाम ही पढ़ लिया तूने, बस टॉपिक के नाम पढ़ लिए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, कैसे होगा फिर, क्वेश्चन करना बैठ के उसी के कर, क्यों कर रहे अगले के, उसको ढंग से कर पहले, बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है पता है ना, फ्री 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे इन 2 चैप्टर से सही, तो करना बैठ के उनको पहले। यस सर, और जैसे मैंने ना PNC नहीं पढ़ा तो सर अगर इसमें कोई इजी आ गया क्वेश्चन छोड़ दे, इजी आ गया पेपर में शक्ल से पता लग जाता है सवाल की इजी है कि नहीं, विद इन 10 सेकंड पता लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ना है इंस्टेंट,
नहीं होगा यार वो उधर, अगर वो आसान आ गया तेरा लक है, पढ़ेगा तो पता लग जाएगा तेरे को, पढ़ के नहीं समझ में आगे भागना क्योंकि और चैप्टर किए हैं तूने अच्छे से, राइट, उनके क्वेश्चन करेंगे हम पहले बैठ के। तुम फिर से वही दिमाग मेंटेलिटी, एक चैप्टर वो कर लूं बस भाई, 29 क्वेश्चन तो सही कर लो, फिर करेंगे ना ये भी। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, मेरा अभी एक और मीट है क्योंकि